ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश भाजपा द्वारा गहलोत सरकार जन विरोधी योजनाओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों के खिलाफ प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा द्वारा जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया खुद लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर आम जन के बीच गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूकता और मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। बता दें, सतीश पूनिया ने जहां बीते रोज शुक्रवार को झुंझुनू जिले में सुबह से लेकर देर रात तक जन आक्रोश कार्यक्रमों को संबोधित किया था, तो वही आज सुबह से सीकर और नागौर में अलग अलग स्थानों पर जन आक्रोश रथ यात्रा कार्यक्रमों में ग्राम चौपालों और रात्रि चौपालों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें वह प्रबुद्धजनों, आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर संवाद भी कर रहे हैं। इसी तरह पिछले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पाली, जयपुर, दौसा, करौली और भरतपुर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संबोधित किया था। आपको बता दें, आज शनिवार को सुबह 11 बजे सतीश पूनिया ने सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में जन आक्रोश रथ यात्रा के तहत आमजन, व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में पत्रक वितरित कर संवाद किया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी के कारंगा गांव में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि दुनिया में क्वालिटी का शहद उत्पाद करने वाला भारत एकमात्र देश है। इस समय बड़ी संख्या में किसान इसको प्रोफेशन के रूप में अपना रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसान, युवा सहित सभी वर्ग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस दौरान सतीश पूनिया ने आमजन को बताया कि अंतरिक्ष में आने वाले समय में भारत दुनिया का लीडर बनेगा। स्पेस में जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और ऐसी स्थिति आएगी कि उससे भारत को रेवेन्यू तो मिलेगा ही, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद भी कर सकता है। पूनिया ने आगे कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे देश का स्वाभिमान बढ़ा है। अभी G20 है, जिसको लेकर अल्टरनेट तरीके से उनको होस्ट करने का मौका मिलता है, और दुनिया के जिन देशों में G20 की मीटिंग होती है उसमें एक या दो शहरों में होती है, हिंदुस्तान में 56 शहरों में बैठकें होगी। वहीं राहुल गांधी और गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान के किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, निम्बी जोधा में किसी के हुए तो हाथ खड़े कर देना भाई, नको भाई। 2018 में राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान, अभी घूम रहे हैं और उन्होंने कहा हजार बढ़िया या पक्को डोर होकर रखे है। 2018 में ये कहा कि सरकार कांग्रेस की आएगी, 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, और गिनती और गिन के बताइए अपने को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कर्जा माफ। मेरे को तो एक बार लगा कि ऐसा चमत्कार तो तेजा जी महाराज भी नहीं कर सकते थे, ये देवता कहां से आने का, आदमी तो भला नहीं था। अब 1500 दिन हो गए, 9000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, कई किसानों ने आत्महत्या ही कर ली, अपनी कही गई बात अभी 1500 दिन में जो पूरा नहीं कर सके वो है कांग्रेस पार्टी का नेता। सतीश पूनिया यही नहीं रुके, गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि राजस्थान में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 30%, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, कितनी 70 लाख, और राजस्थान का मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में गिनाता है कि मैंने 1 लाख नौकरी दे दी, उसका भी आंकड़ा कोई प्रमाणिक नहीं है। 69 लाख का क्या होगा, वो भगवान भरोसे 3000 के बच्चे की गई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं, और कईयों के बापड़ों के तलाक हो गए, रीट की नकल हुई, रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, तो लड़के वालों ने भी कहा कि भाई जब परीक्षा ही कैंसिल हो गई तो सगाई भी कैंसिल। राजस्थान में बेरोजगारों की स्थिति है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान में जो राहुल गांधी ने कदम रखा है, रोज गोलियां चलती,
किस तरीके से कानून का राज खत्म हो गया और किस तरीके से माफियाओं के शिकंजे में राजस्थान की सरकार काम करती है। 8,31,000 मुकदमे हैं, इसीलिए आपसे मिस कॉल करवा रहे हैं कि कम से कम आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो राजस्थान की शांति को, कानून व्यवस्था को ठीक रखा जाए। मुझे उसमें कोई गुनाह नहीं लगेगा कि लोकतंत्र में अपने बात को प्रमाणिकता से कहें, यह हमारे अधिकार है। मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हो सकता हूं, विरोधी हो सकता हूं, लेकिन जनता की बात को उनके समक्ष उठाना यह हमारी जिम्मेवारी है और इसीलिए जनाक्रोश यात्रा निकली है, इसलिए आपको मिस कॉल कराई है। आप लोग भ्रष्टाचार से बहुत चर्चा करते हो, तंग होते हो, हर 12 किलोमीटर पर कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है, पकड़ा जाता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये चमत्कार से अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के राज में राजस्थान में संभव है। वहीं पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि जिन लोगों ने राजस्थान को कमजोर किया, जिन लोगों ने राजस्थान में तुष्टिकरण का काम किया, मैं किसी जाति पंथ और मजहब की बात नहीं करी, लेकिन उदयपुर में जब कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन सर कलम से किया जाता है तो चुनौती कानून व्यवस्था को होती है, चुनौती पूरे सनातन समाज को होती है। आपकी आत्मा दुखती है किस तरीके से खुलेआम किसी की गर्दन कलम कर दी जाए। इस सरकार की विफलता नहीं तोड़ क्या है, करौली से लेकर, धौलपुर से लेकर, जोधपुर से लेकर, भीलवाड़ा से लेकर, आपके रामनवमी के दिवस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लग जाए, 17 जिलों में 144 लग जाए, ये सरकार का तुष्टिकरण और भेद की राजनीति है कि कोटा में उसी पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में इस तरीके से बहुसंख्यक समाज असुरक्षा के साए में जीता। आगे सतीश पूनिया ने बताया कि ये जनाक्रोश यात्रा अलग लगाने की यात्रा, ये जनाक्रोश यात्रा हनुमान जी की तरह आपको शक्ति का एहसास कराने की यात्रा है। मैं आपको भरोसा देता हूँ, तो पूछते हैं कई बार कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको भरोसा देता हूँ 2023 और 23 के बाद भारतीय जनता पार्टी केवल खुद की नहीं, शासन के लिए नहीं, प्रजा की सरकार चलाएगी और इस राजस्थान के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए पूरी मजबूती से संकल्पित होकर काम करेंगे। ये भरोसा और विश्वास आप लोगों को देना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।